हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, यहाँ पर आज आप सभी के लिए 8-9 इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप HP की तरफ से लेकर आया हूँ। और इसके साथ आपको बता दूँ कि HP BEd का सेकंड काउंसलिंग का रिज़ल्ट भी यहाँ पर आ चुका है। सुबह ही आ गया था, बट अगर मैं वीडियो अपलोड करता तो वो वीडियो आप तक नहीं पहुँच पानी थी, उसका नोटिफिकेशन नहीं आप तक आना था। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको रिज़ल्ट निकालना है, ठीक है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, उसके बाद आपको रिज़ल्ट कैसे निकालना है, कहाँ से, किस वेबसाइट से, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए फटाफट से देखते हैं। पहला नोटिफिकेशन दोस्तों एडमिशन नोटिस है, 7th नोटिफिकेशन BLLV की तरफ से, और ये फ़ीस आपको पे कर देनी है, ठीक। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आपका रिगार्डिंग अप्रूवल ऑफ टॉपिक, तो PhD का रिगार्डिंग है ये। ये है डिप्लोमा इन योगा स्टडीज़ अकेडमिक सेशन 2022-23 के लिए सब्सिडाइज्ड सीट्स के लिए मेरिट लिस्ट, ठीक है। 5 सितंबर तक आपको फ़ीस पे करवा देनी है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपका मेरिट लिस्ट ऑफ डिप्लोमा इन योगा स्टडीज़ अकेडमिक सेशन 2022-23, ये है नॉन सब्सिडाइज्ड। पीछे वाली जो थी बहुत ही सब्सिडाइज्ड सीट्स के लिए, ये है नॉन सब्सिडाइज्ड के लिए। 5 तक इसकी भी फीस आपको पे करवा देनी है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपका HPU रीजनल सेंटर धर्मशाला की तरफ से पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है, वेटिंग लिस्ट 5th है, और ये आपको 4 सितंबर तक फीस पे करवा देनी है, ठीक है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन, एक मिनट रुकना ज़रा, हाँ तो इसके बाद देखते हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन ये भी पॉलिटिकल साइंस की डिपार्टमेंट की तरफ से है, HPU रीजनल सेंटर धर्मशाला की तरफ से, ये है नॉन सब्सिडाइज्ड की, ठीक है। 4 सितंबर तक आपको फ़ीस पे करवा देनी है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपका ये टाइम टेबल आपका MCOM का, तो आप बहुत दिनों से पूछ रहे थे कि टाइम टेबल कब आएगा, तो ये MCOM का टाइम टेबल आ चुका है 1st सेमेस्टर का, और ये कुछ इस तरह से आपके क्लासेस स्टार्ट होंगी। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है MCOM 3rd सेमेस्टर का टाइम टेबल, ठीक है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है रीजनल सेंटर धर्मशाला की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ लॉज के लिए वेटिंग लिस्ट में से यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, और 4 सितंबर तक आपको फ़ीस पे करवा देनी है, ठीक है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन ये ऑफिस ऑर्डर है MTTM के लिए, तो इसकी भी 5 तक आपको फ़ीस पे करवा देनी है, 5 सितंबर तक आपको जो है फ़ीस पे करवा देनी है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से रिजल्ट आपको चेक करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जाओगे गूगल क्रोम में, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखोगे क्या लिखना है, एडमिशंस, ये आ गया admissions.hpshimla.in, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद आपको कैंडिडेट एक्टिविटी में जाना है, ठीक है। कैंडिडेट एक्टिविटी में जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड BEd अलॉटमेंट लेटर सेकंड राउंड, ठीक। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपका जो है नेक्स्ट पेज ओपन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आपको BEd की आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड भरना है, और जो सम है वो यहाँ पे टाइप करोगे आप। उसके बाद लॉगिन करके आपको आपका जो भी आपको अपना कॉलेज मिला होगा वो आपका शो हो जाएगा, ठीक है। फिर उसका जो आपने प्रिंट ले लेना है, ठीक है, जो भी आपको कॉलेज मिला होगा, सामने प्रिंट का ऑप्शन होता है, वहाँ पर यस करके प्रिंट कर उसको, प्रिंट उसका डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जाना है कॉलेज में डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको यहाँ पे बताए गए होंगे, वो सभी आपको लेकर जाने हैं कॉलेज में। कॉलेज में जाके फिर आपकी फ़ीस पे होगी, ठीक है। तो फीस का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और इसका डायरेक्ट लिंक भी आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक दे दूँगा, ठीक है, जिससे कि आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचोगे, अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो। और जो दूसरा है आपका जो फ़ीस का है, वो भी मैं यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा दोनों का, ठीक है, यहाँ से आप चेक कर लेना, ओके। तो आपको गूगल पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचोगे, ठीक है। अगर ऐसे नहीं होता तो जैसे मैंने बताया गूगल क्रोम के जरिए, वैसे भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।